जी अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम सैयद मुदस्सिर हैदर है और आज एक दफ़ा फिर रिहाइश आपको बैरिया ऑर्चर्ड लेके आया आर्ट मरले का बहुत ही खूबसूरत घर दिखाने के लिए। वीडियो को एंड तक लाजमी देखेगा, मैं आपके साथ इसकी प्राइस शेयर करूँगा वीडियो को एंड में। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू सो मच। जी द व्यूवर्स, आप इसकी फ्रंट एलिवेशन देख सकते हैं, बहुत ही मॉडर्न और डिसेंट एलिवेशन है। बहुत बारीकी के साथ इस घर को डिज़ाइन किया गया है। इसके गैराज की तरफ बढ़ रहे हैं हम। व्यूवर्स, ये इसका गैराज है। एंटर होते साथ ही आपको एक बहुत ही प्यारी निश देखने को मिलती है जिसमें कुरान आयत का बहुत खूबसूरत इस्तेमाल किया गया है। एक बहुत वाइड स्पेस दी गई है गैराज को, ईज़िली यहाँ पे दो गाड़ियाँ आसानी से खड़ी हो सकती हैं। बिल्कुल साथ इसके छोटी सी गली है, ये इसकी मेन एंट्रेंस है। आइए आपको अंदर का व्यू देते हैं। जी द व्यूवर्स, एंटर होते साथ ही आपको इसकी स्टेयर्स मिल जाती हैं प्रोपोर्शन में जाने के लिए। ये टीवी लाउंज की एंट्रेंस है, हम अंदर एंटर हो रहे हैं। अगेन मैं आपको कहूँगा वॉलपेपर्स आप देखें, बहुत ही अच्छी और डिसेंट लुक प्रोवाइड कर रहे हैं। फीचर वॉल, मीडिया वॉल में आप देखिए वुड और टाइल का अच्छा कॉम्बिनेशन दिया गया। सीलिंग्स आप देख सकते हैं, शैंडलियर देख सकते हैं आप, एलईडी लाइट का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया गया सीलिंग्स में। इसके साथ ही इसका ड्राइंग रूम, ड्राइंग रूम को भी एक बहुत वाइड स्पेस दी गई है जैसे कि टीवी लाउंज को दी गई है। इसकी फीचर वॉल मैं आपको दिखाता चलूं, बहुत ही अच्छे वॉलपेपर्स के साथ इसको डिज़ाइन किया गया। सीलिंग्स आप देख सकते हैं, सिंपल और डिसेंट सीलिंग्स हैं। एक बहुत वाइड स्पेस दी गई है टीवी लाउंज को भी और ड्राइंग रूम को भी। आइए आपको इसे किचन की तरफ लेके चलते हैं। व्यूवर्स, ये इसका किचन है, ओपन किचन है। यूवी शीट आप देख सकते हैं, बहुत अच्छी यूवी शीट लगाई गई है। एक्सेसरीज बहुत अच्छी अपनी इसकी लगाई गई हैं। ये इसकी हॉट प्लेट, डेटल एग्जॉस्ट, लोअर पोर्शन में दो बेडरूम्स हैं। फर्स्ट बेडरूम की तरफ चल रहे हैं हम। व्यूवर्स, ये इसका मास्टर बेडरूम है लोअर पोर्शन का। फीचर वॉल का वॉलपेपर के साथ डिज़ाइन किया गया। ये इसकी मीडिया वॉल, इसके साथ इसका इसकी वार्डरोब और इसी के साथ इसका अटैच वॉशरूम। वैनिटी आप देख सकते हैं, अच्छी वैनिटी है। एक्सेसरीज देख सकते हैं आप, शावर एरिया। इसके सेकंड बेडरूम की तरफ लेके जा रहा हूँ आपको। व्यूवर्स, ये इसका सेकंड बेडरूम है। फीचर वॉल देखिए आप, बहुत अच्छा और डिसेंट वॉलपेपर लगाया गया है। सीलिंग्स में आपको दिखाता चलूँ, एलईडी लाइट्स का अच्छा इस्तेमाल किया गया सीलिंग में। मीडिया वॉल, इसके साथ इसका अटैच वॉशरूम और वॉशरूम में ही इसकी वार्डरोब दी गई है, ये देखिए आप। वैनिटी आप देख सकते हैं, अच्छी वैनिटी लगाई गई है, बहुत अच्छी टाइल्स लगाई गई हैं। सेपरेट शावर स्पेस। आइए इसके आपको अपर पोर्शन की तरफ लेके चलते हैं। जी तो व्यूवर्स, अपर पोर्शन में मौजूद हैं।
टीवी लॉन्च की एंट्रेंस से एंटर हो रहे हैं हम, और एंटर होते साथ ही आपको बहुत खूबसूरत फीचर वॉल देखने को मिलती है। अगेन बहुत डिसेंट वॉलपेपर लगाए गए हैं। ये इसकी मीडिया वॉल, सीलिंग्स देखिए आप, शैंडलियर देखिए, बहुत अच्छा शैंडलियर और डिसेंट सीलिंग्स हैं। इसके साथ ही इसका ओपन किचन, यूवी शीट का अच्छा इस्तेमाल किया गया, एक्सेसरीज दे सकते हैं, अच्छी कंपनी की एक्सेसरीज हैं। ये इसकी हॉट प्लेट, इसका डेटल एग्जॉस्ट, अपर पोर्शन में 3 बेडरूम्स हैं। व्यूवर्स आपको इसके फर्स्ट बेडरूम की तरफ लेके चल रहे हैं। व्यूवर्स ये इसका फर्स्ट बेडरूम है, एक बहुत वाइड स्पेस दी गई है इस बेडरूम को। इसकी फीचर वॉल आप देख सकते हैं, वॉलपेपर के साथ डिज़ाइन की गई है इसको। इसकी सीलिंग्स देख सकते हैं, सिंपल और डिसेंट सीलिंग्स हैं। वार्डरोब, इसके साथ इसका अटैच वॉशरूम, वैनिटी आप देख सकते हैं, अच्छी वैनिटी है। शावर एरिया, आइए आपको इसके सेकंड बेडरूम की तरफ लेके चलते हैं। ये व्यूवर इसका सेकंड बेडरूम है। अगेन आप इसकी फीचर वॉल देखिए, हर रूम को अलग डिज़ाइन किया गया है। वार्डरोब की स्पेस देखिए आप, बहुत कम घरों में आपको ऐसी स्पेस मिलती है वार्डरोब की। इसके साथ इसका अटैच वॉशरूम है, वैनिटी आप देख सकते हैं, एसेसरीज देख सकते हैं, इसका शावर एरिया। आइए आपको इसके थर्ड बेडरूम की तरफ लेके चलते हैं। ये व्यूवर इसका थर्ड बेडरूम है, इसकी मीडिया वॉल आप देख सकते हैं, वार्डरोब देख सकते हैं आप, अच्छी स्पेस दी गई है वार्डरोब को। इसके साथ इसका अटैच वॉशरूम है, वैनिटी बहुत अच्छी लगाई गई है, टाइल्स का अच्छा इस्तेमाल किया गया। आइए आपको इसकी बालकनी की तरफ लेके चलते हैं। जी तो व्यूवर, इसकी बालकनी में मौजूद हैं, एक बहुत वाइड स्पेस दी गई है बालकनी को। यहाँ पे आप इसको अपना सिटिंग एरिया भी बना सकते हैं। आपको मैं इसकी लोकेशन दिखाता चलूँ, बहुत ही प्राइम लोकेशन पे ये घर वाकई है, बहरिया ऑर्चर्ड की बहुत प्राइम लोकेशन पे। इसकी डिमांड की बात की जाए तो इसकी डिमांड 2.5 करोड़ रुपए है, जो कि निगोशिएबल है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि आप हमारी हर आने वाली वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकें, अपनी अच्छी सरमाकारी कर सकें और अपना अच्छा घर बना सकें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।